हम आ गए हाईटेक कॉलेज में और यहाँ बने हैं बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स। चलिए देखते हैं क्या क्या बना है। क्या है बताइए? ये ग्रीन क्लीन हाईटेक सोसाइटी है। इसमें सबसे पहले क्या है, कार की सिक्योरिटी को देखते हुए हमने इसे बनाया है। सबसे पहले क्या है कि इस सोसाइटी में कोई और कार एंट्री ना कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बनाया है। ये हमारे पास कार्ड है, ये कार्ड कार के ऑनर को इशू कराया जाएगा जिसमें कार की सारी डिटेल्स होंगी और ये जो इसकी डिटेल्स होंगी सारे FID के मॉड्यूल में होंगी। जब इसको इसके सामने आएगा तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। अगर आप इसमें अपना हाथ दिखाओगे तो भी ओपन नहीं होगा। ठीक है, जब भी कार्ड दिखाओगे तभी ओपन होगा। अब क्या ये एक सैनिटाइजर डिस्पेंसर है? इस डिस्पेंसर में क्या है, हमारे पास ये है। इसमें क्या है, कोविड के टाइम पे लोग जो थे कभी कभी भूल जाते थे सैनिटाइज करना, तो हमने क्या किया यहाँ पे रास्ते सोसाइटी के बाहर लगाया डिस्पेंसर। इसमें क्या होगा, कोई जा रहा है तो हम उसमें आगे हट हल के इसको सैनिटाइज कर सकते हैं IR सेंसर की हेल्प से। अब ये हमारा है ऑटोमेटिक डस्टबिन, भाई ऑटोमेटिक डस्टबिन हमने वो अल्ट्रासोनिक सेंसर की हेल्प से बनाया है। कोविड के टाइम में क्या था, कोई भी चीज़ हम टेस्ट नहीं करते थे, हमें डर रहता था ताकि हमें कोई बीमारी ना हो जाए। तो हमने भी अब ये ऑटोमेटिक डस्टबिन बनाया है, इसमें हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया, फिर वो मोटर लगाई और बजर लगाया। और भैया जब फुल, हमें यहाँ पे एक लेवल मार्क किया, जब ये फुल हो जाएगा तो बजर अपने आप बजने लग जाएगा और चाहिए जब तक बजेगा जब तक उसे खाली नहीं करते हैं। ठीक है, और ये बजर बजेगा तो मैसेज आ जाएगा। ये मैसेज जो है म्यूनसिपल पार्टी या सोसाइटी के लोगों तक पहुँच जाएगा। वो इग्नोर कर रही है या फिर वो बिजी है तो वो किसी और को बता देगी और वो आगे खाली। ये बजर बज रहा है और इसके मैसेज जो है वो कुछ इस तरह से जाएंगे। अब हमारे जैसे ये डस्टबिन फुल हो जाती है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, ये जला देते हैं। हम इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कंडक्ट कराएंगे, पहले इस हम कूड़े को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमारे पास पूरा एक मेथड होगा इलेक्ट्रोलिसिस का। हमने यहाँ पर अभी पूरा नहीं कराया क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी और कॉस्ट की शॉर्टेज थी, इसलिए हमने यहाँ पे पूरा नहीं किया, पर इन फ्यूचर हम करना चाहेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास ये लाइट। हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जैसे रात में लाइट चली जाती है तो पूरी गलियों में अंधेरा हो जाता है, तो हमने एक LDR सेंसर यूज किया है। उसमें लाइट को डिटेक्ट करता है अब्सेंस ऑफ लाइट और प्रेजेंस ऑफ लाइट। उसमें क्या होता है, LDR सेंसर है जिसकी फुलफॉर्म अगर हम बोले तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, जिसमें क्या होगा वो प्रेजेंस ऑफ लाइट और एब्सेंस ऑफ लाइट को डिटेक्ट करेगा। जब यहाँ पे सेंसर को पता चला कि अंधेरा हो चुका है तो ये लाइट आपको दिखेगी। और ये हमारा टॉयलेट है, मतलब जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं वहाँ पे लोग फ्लश नहीं करते हैं, यहाँ पे फ्लश करना भूल जाते हैं। अगर कोई लोग फ्लश करना चाहते हैं तो वहाँ पे टैंक के अंदर वाटर नहीं होता है, अगर हमारा पानी नहीं होगा टैंक के अंदर तो ये हमारी रेड लाइट ऑन होगी तो हमारा टॉयलेट का गेट ही ओपन नहीं होगा। लेकिन जब हमारा टैंक में पानी होगा तो ये हमारा गेट ओपन हो जाएगा और फिर जब हम फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद यूज कर लिया, उसके बाद हमें बाहर जाना है, ये दबाएंगे और ये ऑटोमेटिक फ्लश हो जाए।